जय माता दी गाइस। अगर आप माता वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि आप वैष्णो देवी का टूर प्लान कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैष्णो देवी जाने का बेस्ट टाइम कब होता है, आप कैसे जा सकते हैं, कितने दिन का टूर प्लान कर सकते हैं, होटल की क्या अरेंजमेंट रहती है, खाने का क्या सीन है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रैकिंग में आपको क्या क्या दिक्कत आने वाली है, घोड़ा पालकी ईवी कार या हेलीकॉप्टर का क्या चार्जेस है, टोटल एक्सपेंसेस कितना आने वाला है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको वैष्णो देवी प्लान करने से पहले जानना जरूरी है। माता वैष्णो देवी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। यहाँ से कटरा की दूरी 47 किलोमीटर है। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा की दूरी 49 किलोमीटर। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से सरकारी बसेस आपको 85 रुपए लेकर 2 से 2.5 घंटे में कटरा पहुँचा देगी। अगर आप चाहें तो एसी बस से भी जा सकते हैं, जिसका 165 रुपए का चार्ज लग सकता है। वहीं अगर आप टैक्सी से कटरा जाना चाहते हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही प्रीपेड टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहां से 1530 रुपए में पूरी टैक्सी बुक हो जाएगी कटरा के लिए। स्टे के लिए आप कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स में रुक सकते हैं, जिसका फेयर डबल बेड वाला रूम का 1450 और 4 बेड वाला रूम का 1700 चार्ज लग जाएगा। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तरफ से ये स्टे का सर्विस दिया जाता है। इसके अलावा जम्मू अर्धकुंवारी सांची छत और भवन के पास भी आपको स्टे का सर्विस अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप अर्धकुंवारी में स्टे करना चाहते हैं तो उसका डबल बेड का 700 में बढ़िया रूम अवेलेबल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि माता वैष्णो देवी के भवन के पास रूम ले तो उसका चार्ज 1600 डबल बेड का और 4 बेड वाला रूम का आपको 2300 रुपए चार्ज लग जाएगा। अगर आप डोरमेट बेड लेना चाहते हैं तो माता रानी के भवन के पास ही मनोकामना भवन बना है, उसमें 120 रुपए पर पर्सन के हिसाब से डोरमेट मिल जाएगा आपको। इसके बुकिंग के लिए आप श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और कम से कम 2 महीना पहले इसका बुकिंग जरूर करा रहे, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ट्रेकिंग से पहले आपको ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या ऑफलाइन भी आपको जगह जगह रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगी। यात्रा रजिस्ट्रेशन को दिखाकर आपको RFID कार्ड लेना होता है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं। ट्रेकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बाणगंगा आना होगा, जिसके लिए आप ऑटो ले सकते हैं जो 50 रुपए पर पर्सन का चार्ज करता है या 210 रुपए में पूरी ऑटो बुक हो जाती है। रास्ते में आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। माता रानी का श्राइन बोर्ड के द्वारा जगह जगह खाने का बढ़िया ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाणगंगा से माता जी के दरबार के लिए आपको 13 से 14 किलोमीटर की ट्रेकिंग करना होगा, जिसमें आपको बहुत सारी मंदिर और खूबसूरत पहाड़ों का दर्शन होता रहेगा। गाइज, अब तो एक नया रूट भी बन गया है, जिसका नाम है हिमकोठी। अर्धकुंवारी से पहले ही आपको हिमकोठी वाला रूट मिल जाएगा। अगर आप इस रूट को लेते हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी आपका कम हो जाएगा। इसी रास्ते में आपको ईवी कार का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसका बुकिंग ऑनलाइन कराना होता है, नहीं तो स्लॉट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफलाइन भी होता है, बट इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसका चार्ज 350 रुपए पर पर्सन लगता है गाइज, और वापस आने के लिए 250 का चार्ज लगेगा। अगर आप चाहें तो बाणगंगा से घोड़ा भी ले सकते हैं, जिसका 1100 चार्ज लगता है। वहीं बाणगंगा से पालकी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि पुराने रास्ते से होकर 3450 रुपए और नए रास्ते से होकर 2850 रुपए लगेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं तो उसका 1800 पर पर्सन का चार्ज लगता है, जो कतरा से सांझी छत तक जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको हेलीकॉप्टर या ईवी कार से जाना है तो कम से कम 2 महीना पहले इसका बुकिंग जरूर करा लें। माता रानी के भवन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने का परमिशन नहीं होता है, तो भवन के पास में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। जगह जगह साफ सुथरा टॉयलेट सर्विस के साथ मेडिकल का भी अरेंजमेंट अवेलेबल रहता है। माता रानी के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा मंदिर तक भी जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप भैरव बाबा मंदिर नहीं गए तो आपका वैष्णो देवी का यात्रा अधूरा माना जाता है। यहाँ जाने के लिए रोपवे का 100 पर पर्सन का चार्ज लगता है, या आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर नेटवर्क की बात करूं तो अदर स्टेट का सिम यहाँ पे काम नहीं करता
एरिया है वहाँ जाने के बाद आप कोशिश करें कि एक नया सिम कार्ड जरूर खरीद ले। अब बात करता हूँ आपका टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। ये एक्सपेंस आपका जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाद लागू होगा। स्टेशन से कटरा के लिए आपको 85 रुपए का बस टिकट लगेगा और वापसी के लिए भी 85 यानी कि राउंड ट्रिप का 170 रुपए पर पर्सन का। अगर आप 2 नाइट का स्टे लेते हैं तो 1400 रुपए पर पर्सन का चार्ज लगेगा, चाहे तो आप 1 नाइट के स्टे में भी आपका काम हो जाएगा। फूड की अगर बात करो तो मैक्सिमम 2 डेज में आपका 700 से 800 रुपए का खर्च होने वाला है, यानी कि आपका टोटल मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो है वो रहेगा 1700 रुपए का, यानी कि एक नाइट के होटल स्टे के साथ। वहीं अगर आप 2 नाइट का होटल स्टे करते हैं तो टोटल खर्च आपका 2400 रुपए हो जाएगा। ये जरूरी एक्सपेंस था गाइज, इसके अलावा आप जो भी एक्सपेंस करना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज, आपको माता वैष्णो देवी का कंप्लीट टूर प्लान कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।